काफ़ी समय से सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को बेचने की कोशिश हो रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब एयर इंडिया को किसी ने ख़रीद लिया है। सूत्रों के अनुसार इसे ख़रीदने वाली कंपनी और कोई नहीं बल्कि टाटा सन्स है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाने वाले टाटा ग्रुप के हाथ अब एयर इंडिया की कमान पहुँच चुकी है। इसी के साथ 67 सालों बाद एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में वापसी हो गई है। टाटा सन्स ने 15 सितंबर को एयर इंडिया को ख़रीदने की फाइनल बोली लगाई थी। हालांकि इस पर अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने कहा है मीडिया रिपोर्ट्स में एयर इंडिया के निजीकरण की मंजूरी पर जो भी कहा जा रहा है वो गलत है। मीडिया को सरकार की तरफ से सूचना दी जाएगी जब भी सरकार कोई फैसला लेगी। एयर इंडिया के लिए स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह ने भी बोली लगाई थी, लेकिन सरकारी सूत्रों ने कंफर्म किया है कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 300 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जो सरकार की तरफ से तय किए गए मिनिमम रिजर्व प्राइस से अधिक। तमाम रिपोर्ट से ये संकेत दिए गए थे कि एयर इंडिया की अधिग्रहण में टाटा सन्स सबसे आगे है। एयर इंडिया के पूर्व डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव ने हाल ही में ब्लूमबर्ग टीवी को बताया टाटा ग्रुप को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल सकती है, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है कि वो बड़ी मात्रा में पैसा लगाकर घाटे में चल रही एयर इंडिया को उभार सकें। उन्होंने कहा कि टाटा भी एयर इंडिया को ख़रीदने के लिए काफ़ी उत्साहित है। एक टॉप एग्जीक्यूटिव से मिली सूचना के अनुसार टाटा ने एयर इंडिया को ख़रीदने के लिए ऊँची बोली सिर्फ इसलिए लगाई है क्योंकि वो नेशनल एसेट है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाने वाले टाटा ग्रुप ने अपनी बोली में एक क्षतिपूर्ति शर्त रखी है ताकि अगर भविष्य में कोई क्लेम आता है तो उससे निपटारा किया जा सके। इस प्रक्रिया में टाटा ग्रुप ने अपने 200 बड़े कर्मचारियों को लगा रखा है, जिसमें कई स्पेशलिस्ट शामिल हैं। बता दें, टाटा ग्रुप अपने पूरे एयरलाइन बिजनेस को एक साथ मिलाने की योजना बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।